नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में, कौन सी खबर रही सुर्खियों में। रायपुर में कोरोना ब्लास्ट, एक साथ 41 नए पॉजिटिव मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है, वायरस का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। वहीं राजधानी रायपुर में आज कोरोना विस्फोट हुआ है। रायपुर में 41 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। रायपुर डीएचओ डॉक्टर सूर्या सिन्हा ने इसकी पुष्टि की है। रायपुर में मिले 41 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से विदेश से आए 19 छात्र संक्रमित पाए गए हैं। इनके अलावा हेल्थ वर्कर और उनके परिजन भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इसके अलावा एम्स के 4 लोग और मुंबई बालाघाट से आए 2 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। रायपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में हुई बारिश, अलर्ट जारी। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलते ही मंगलवार सुबह से तेज बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा समेत कई जिलों में झमाझम बारिश जारी है। आसमान में भी काले घने बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया था। रायपुर में एक फिर ट्रक चोरी, देर रात फिर एक ट्रक चोरी हो गया। इसमें 34 टन सरिया लदा था। इसे लेकर ड्राइवर महाराष्ट्र के सोलापुर जा रहा था। रात होने के कारण वह सड़क किनारे ट्रेलर खड़ा कर सोने चला गया। सुबह देखा तो ट्रेलर गायब था। पुलिस ने कुम्हारी टोल नाके पर लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो उसमें ट्रेलर लेकर बदमाश सिरसा गेट की ओर जाते दिखाई दिया। घटना कबीरनगर थाना क्षेत्र की है। 5000 गांवों में गोठान का निर्माण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास। कोरोना संकट के बीच भूपेश बघेल गौधन न्याय योजना के सहारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जुलाई माह में हरेली त्योहार के दिन से शुरू की जा रही इस योजना से लॉकडाउन में बेरोजगार हुए लोगों को भी रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के शुरू होते ही सड़कों पर दिखने वाले मवेशी घरों और गौठानों में दिखने लगेंगे। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर के तेंदू पत्ता संग्राहकों को नगद पैसा देगी सरकार। बीजापुर जिले में तेंदू पत्ता के नगद भुगतान को लेकर हजारों आदिवासियों ने सोमवार सुबह कलेक्ट्रेट पहुंच अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की घोषणा कर दी। मामला बिगड़ते देख जिला प्रशासन ने उच्च स्तरीय अधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद बात सीएम तक पहुंची और उन्होंने लोगों की भावनाओं को देखते हुए उनकी मांगे पूरी करने और तत्काल नगद भुगतान करने की घोषणा की। पीएम मोदी बोले, गांव का प्रधान हो या देश का, कोई नियमों से ऊपर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को कोरोना के कहर के बीच छठी बार संबोधित किया। पीएम मोदी कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौर में लोगों का हौसला बढ़ाते रहे हैं। वहीं चीन के साथ सीमा विवाद पर भी पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत दोस्ती निभाना भी जानता है तो आंख में आंख डालकर जवाब देना भी जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते लड़ते अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं। हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जब सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी बीमारी होती है। मेरी सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि अपना ध्यान रखिए। भारत में 59 ऐप्स बैन होने पर चीन ने जताई चिंता, कहा दूसरे मामले की ले रहे हैं जानकारी। भारत सरकार के 59 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद चीन की तरफ से पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है। चीन ने कहा है कि वह इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और इसे लेकर चिंतित भी हैं। चीन का कहना है कि अभी वह पूरे मामले के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है। इससे पहले चीनी मीडिया ने भारत पर निशाना साधते हुए कहा था कि वह चाइनीज सामान बैन करने के लिए वही नीति अपना रहा है जो अमेरिका ने अपनाई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट, मेक इन इंडिया की बात कर चीन के सामान मांगती है बीजेपी। भारत और चीन के बीच जारी सीमा पर तनाव से इधर अब चीनी निवेश को लेकर बहस छिड़ गई है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि मोदी सरकार बात तो मेड इन इंडिया की करती है लेकिन सारा सामान चीन से ही मंगवाती है। राहुल गांधी ने इसी के साथ एक ग्राफ साझा किया है जिसमें यूपीए और एनडीए सरकार की तुलना की गई है। इसमें चीन के आने वाले सामान की तुलना की गई है। राहुल द्वारा साझा किए गए चार्ट में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है। कोविड-19 महामारी के बीच अभ्यास पर लौटे 44 साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर। क्विंटन डिकॉक की अगुवाई में दक्षिण अफ्रीका के 44 क्रिकेटरों ने कोरोना वायरस महामारी के बीच खेल मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद अभ्यास शुरू कर दिया।
दक्षिण अफ्रीका में 15 मार्च से क्रिकेट गतिविधियां बंद है। उसी दौरान दक्षिणी अफ्रीका टीम 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए भारत में थी, लेकिन महामारी के कारण सीरीज स्थगित कर दी गई। पहला मैच बारिश के कारण नहीं हो सका था। दिलजीत बोले, सुशांत की आखिरी फिल्म थिएटर पर रिलीज होना चाहिए। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा डिजिटल रिलीज होगी। फिल्म का 24 जुलाई को डिज्नी हॉट स्टार पर प्रीमियर होगा। वहीं सुशांत के फैंस फिल्म की डिजिटल रिलीज से खुश नहीं हैं। वे चाहते हैं कि फिल्म को थिएटर पर रिलीज नहीं किया जाए। फैंस इसके लिए इंतजार करने के लिए भी तैयार हैं। वहीं एक्टर सिंगर दिलजीत भी फिल्म की थिएटर रिलीज चाहते हैं। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।